नमस्कार बच्चों, एल्केमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी अध्यापिका रूपल। आज हम बया हमारी चिड़िया रानी पार्ट 4 का संक्षेप देखते हैं। बच्चों, जैसे हमने इस कविता में सीखा, महादेवी वर्मा ने बहुत सुंदर कविता लिखी और उन्होंने इस कविता में बया रानी यानी चिड़िया रानी के बारे में बताया कि कैसे वो अपना तिनकों से घर बनाती है, अपने बच्चों के लिए खेतों और नदियों से पानी लेकर आती है ताकि वो उनकी ज़िंदगी का जीवन यापन कर सके। वही ये सारी चीज़ें जब बच्चों ने देखी तो बच्चों ने कहा कि बया रानी, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रुककर हमारे पास रहो, हमारे आंगन में यानी हमारे घर के आंगन में रहो। वहीं हम तुम्हें दाना देंगे, होज में से पानी निकाल के देंगे, हम तुम्हारी जितनी होगी उतनी सहायता करेंगे। यही ये सारी चीज़ें जब हमने इस पद में पढ़ी, उसके बाद हमने देखा कि जब चिड़िया अंडा देती है और अंडे में से बच्चा बाहर आता है, उसके पंख लगते हैं और पंख लगने के बाद अगर वह उड़ भी जाता है तो बच्चे बया रानी को सांत्वना देते कि अगर बच्चा उड़कर चला भी गया तो तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह हमने जो ये कविता सीखी उससे हमें सीख भी मिली और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। कवियत्री ने बहुत प्यारी और सुंदर कविता लिखी। आज हम यहीं इस कविता का विराम करते हैं और हम इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। मेरी समझ। प्रश्न एक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, चिड़िया खेतों से दाना और नदी से पानी क्यों लाती है? प्रश्न दो। चिड़िया को बाहर जाने से कौन रोक रहा है? प्रश्न ग, चिड़िया क्यों रो सकती है? ये तीन प्रश्न हैं, हम इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क, चिड़िया खेतों से दाना और नदी से पानी क्यों लाती है? तो क्यों लाती है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, वो अपने तिनकों से घर बनाती है, तो किसके लिए बनाती है? अपने और बच्चों के लिए। तो खेतों से दाना और पानी अपने और बच्चों के लिए लाती है ताकि वह उनका भरण पोषण कर सके। दूसरा प्रश्न, चिड़िया को बाहर जाने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है चिड़िया को बाहर जाने से? कविता में किसका जिक्र आया था? कविता में किसके बारे में बता रहा था जो चिड़िया को बाहर जाने से रोक रहा था? बताओ। हाँ, बच्चे। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर। तो उत्तर है, चिड़िया को बाहर जाने से बच्चे रोक रहे हैं। समझ में आया? हमने दोनों प्रश्नों को लिखा। प्रश्न ग, चिड़िया क्यों रो सकती है? तो हमने जब कविता की लास्ट पंक्ति पढ़ी थी कि जब बच्चों के पंख निकल आएंगे और वो बया बन जाएंगे और जब वो उड़ जाएंगे तो चिड़िया क्या करने लग जाएगी? रोने लग जाएगी। तो हम लिखेंगे इसका बच्चों के दूर जाने पर चिड़िया रो सकती है। तो ये हमने तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखे और उनको हल किया। अब देखते हैं सही प्रश्न दूसरा। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरो और वाक्य पूरे करो। इसका अर्थ है रिक्त स्थान यानी खाली जगह। क, चिड़िया के बच्चे खाली जगह निकलने पर उड़ जाएंगे। क्या निकलने पर उड़ जाएंगे? पर। क्या निकलने पर? पर। प्रश्न ख, चिड़िया खाली जगह से
अपना महल बनाती है। चिड़िया किससे अपना महल बनाती है? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, किससे अपना महल बनाएगी? हाँ, तिनके से अपना महल बनाती है। प्रश्न ग, खाली जगह चिड़िया का घर दानों से भर देंगी। कौन चिड़िया का घर दानों से भर देगा? बच्चे। कौन? बच्चे। घ, अंडों से खाली जगह निकलते हैं। अंडों से कौन निकला? नन्हे बच्चे। तो देखते हैं इसके सही उत्तर। तो हमने इसके सही उत्तर लिखे। बाया हमारी चिड़िया रानी, ये हमारी एप्लीकेशन बुक्स का हम आज हल करेंगे। कार्य पत्रक संख्या 4.1, प्राथमिक पाठ कौशल। प्रश्न पहला, कविता की पंक्तियां पूरी करो। फिर जब उनके खाली जगह निकलेंगे, क्या निकलेंगे? उनके पर। खाली जगह बनेंगे, खाली जगह जाएंगे, क्या बनेंगे? हाँ, क्या बनेंगे? बया। और उड़ जाएंगे। हम सब तेरे पास रहेंगे, तू रोना मत चिड़िया रानी, तू रोना मत। तू रोना मत चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी। तो ये हमने कविता की पंक्तियां पूरी की। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, चिड़िया दाना कहाँ से लाती है? प्रश्न ख, बच्चे चिड़िया के बच्चों की निगरानी क्यों करना चाहते हैं? प्रश्न ग, बच्चे होज में क्या भर देंगे और क्यों? चिड़िया दाना कहाँ से लाती है? तो उत्तर है, चिड़िया दाना खेतों से लाती है। प्रश्न ख, बच्चे चिड़िया के बच्चों की निगरानी क्यों करना चाहते हैं? बच्चे चिड़िया की मदद करना चाहते हैं, निगरानी क्योंकि वो चिड़िया की बच्चों की मदद करना चाहते हैं। बच्चे चिड़िया की मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो निगरानी करना चाहते हैं। बच्चे होज में क्या भर देंगे और क्यों? बच्चे होज में मीठा पानी भर देंगे, जिससे उसे दूर नहीं जाना पड़े। जिसको दूर नहीं जाना पड़े, मतलब चिड़िया को दूर नहीं जाना पड़े। तो बच्चों, आज जिन प्रश्नों को हमने हल किया है कोर्स बुक्स यानी पाठ्य पुस्तिका में और एप्लीकेशन बुक्स में, जो प्रश्न हल किए हैं उन्हें आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और अच्छे से निरंतर उनका अभ्यास करना है, ताकि आप उन्हें पढ़कर याद कर सकें।
कल हम और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।